वेलकम ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड डूइंग वेल। इफ़ यू सी मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन माय नेम इज़ डॉली। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हेयर ड्रायर का रिव्यू, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको हेयर ड्रायर मिल जाता है। एंड ये मैं बताने वाली हूँ कि ये कैसा है और कैसा मुझे रिसीव हुआ है। तो मैंने खोल के चेक कर लिया है कि एग्जैक्ट सही है कि नहीं है, चलता है कि नहीं चलता। आपके सामने खोलती तो मेरी बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैंने पहले ही चेक कर लिया है कि कैसा है कैसा नहीं। तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से बाय किया है और ये है चोबा करके एक कंपनी का नाम है, उसका ये हेयर ड्रायर है जो कि काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट है। एंड देखते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। तो ये इस टाइप के कार्टून के बॉक्स में आ जाता है और पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैंने इसे खोल रखा है, जैसे कि मैंने बताया इस टाइप की पैकेजिंग में आपको ये मिल जाता है। और चलिए गाइस, तो इसे ओपन करके देखते हैं ये कैसा है। तो यहाँ पे चलो मैं ये बॉक्स को निकाल लेती हूँ। इसके अंदर ओरिजिनल जो बॉक्स है जिसके अंदर हमारा हेयर ड्रायर है। ओके, तो ये है गाइस, तो ये वो हेयर ड्रायर है। काफ़ी अच्छे से रैप होके आया था, इसे मैंने ओपन कर रखा था। तो ये इस टाइप से पॉलिथीन में आया है एंड इसके साथ एक ये मैनुअल मिल जाता है जिसे आपको रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वार्निंग एंड हेयर ड्रायर के बारे में लिखा हुआ है क्या क्या है। और तो इसे साइड में रखते हैं एंड इस हेयर ड्रायर के बारे में बात करते हैं कि ये कैसा है। तो ये इस टाइप का सा ये हेयर ड्रायर आपको मिल जाता है एंड साथ में इस टाइप का नोज़ल भी आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं इस टाइप का नोज़ल आपको मिल जाता है इसके साथ। एंड इस टाइप का ये हेयर ड्रायर दिखता है गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का ऑप्शन नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे दो बटन दिए हुए हैं और आप देख सकते हो। बाकी मैं इसे साइड में रखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। और यहाँ पे इसका वायर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटा है इसका वायर। मैं इसे ओपन करके देख चुकी हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ। एंड इसे मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है और मैंने इसे 399 में परचेस किया है और मीशो में आपको 350 के अराउंड ही मिल जाएगा। तो दोनों का मतलब इसका लिंक और मीशो का कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको परचेस करना हो तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। ओके ओके है, मतलब आप डेली यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी पार्लर वगैरह के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि पार्लर वगैरह के लिए थोड़े हाई वोल्टेज वाला चाहिए रहता है। तो इस टाइप का ये आपको ड्रायर मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है आप देख सकते हैं। एंड प्रॉपर आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा, बैक साइड में इस टाइप का जाली लगा हुआ है। एंड यहाँ पर ना आपको ये रेड और ब्लैक कलर का बटन मिल जाता है जहाँ से आपको ऑन करना है, और ये जो बटन है रेड वाला इससे आपको स्प्रिट की सेटिंग करना है। तो आपको उस तरीके से इसे ऑन करना है। और इसका जो वायर की लेंथ है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो मैं इसे दिखाती हूँ कि ये कितना बड़ा है इसका लेंथ। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ड्रायर बहुत ही अच्छा है बट इसकी वायर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटी है, कतई मुझे पसंद नहीं आया। क्या बताऊँ मैं आपको, मूड ख़राब हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वायर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटी है। इसकी वायर की लेंथ आपको ये आधे मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी। बाकी क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है एंड वायर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बाकी यहाँ पे इस हेयर ड्रायर में कुछ भी और नहीं दिया है, खाली दो बटन दिए हुए हैं। इसे आपको ऑन करना है और इसे आपको स्प्रीड की सेटिंग करना है। तो चलिए इसे हम ऑन करके दिखाते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। तो चलिए इसे मैं ऑन करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लगा रखा है, तो मैंने इसे लगा लिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया ब्लैक कलर से आपको ऑन करना है, इससे आपको स्प्रीड की सेटिंग करना है। तो चलिए मैं इसे ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये ऑन था और इसे अपने आप पता नहीं कैसे बंद हो गया। अच्छा, यहाँ से हिल गया। ओके, तो आप देख सकते हैं ये बंद, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ। ड्रायर में आपको केवल वन ही ड्रायर का ऑप्शन मिलता है जो कि हॉट ड्रायर देता है एंड कूल ड्रायर नहीं देता, ठीक है। एंड यहाँ से आपको दो स्प्रिट की सेटिंग मिल जाती है, एक हाई और एक थोड़ी लो वाली। तो इस तरीके से आपको ये ऑन करना है। तो ये वाला जो मैं सेटिंग करके रखी हूँ ये एकदम ज़्यादा हॉट वाला एयर दे रहा है। एंड सेकेंड जो मैं सेटिंग कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे ऑन कर लेना है और इसे फिर ऐसे कर देना है।
ये वाला उतना भी ज्यादा हॉट एयर नहीं दे रहा है आपको, थोड़ा उससे नीचे आपको मिल जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है ना वो एकदम गरम गरम हवा आ रही थी, और जो सेकंड वाला है वो नॉर्मली आपको मिल जाता है। काफी अच्छे से काम कर रहा है, काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, एंड क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है, एंड लो प्राइस में ये मुझे, इस प्राइस में आपको और हेयर ड्रायर कहीं नहीं मिलेगा। तो आप डेफिनेटली इस टाइप का हेयर ड्रायर परचेस कर सकते हैं। इसे मैंने जैसे कि बताया 399 में परचेस किया है, काफ़ी अच्छा है, एंड बैक साइड में आप देख सकते हैं। तो ये हेयर ड्रायर आपको कैसा लगा गाइस, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। एंड जिसको भी हेयर ड्रायर परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।